साफी साहब ने तो आज तजवीज़ दी है कि जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनसे भी मसालत की जाए, उनको आम माफ़ी दी जाए। तो सलीम साफी साहब, आपकी आवाज़ जो है बड़ी मोतबर आवाज़ है और बड़े दिल से निकली हुई बात है आपकी। हम भी अपनी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलाना चाहते हैं। यकीनन यही रास्ता बेहतर है। जब अफगान तालिबान ने अपने दुश्मनों को, अपने कातिलों को, अपने से लड़ने वालों को माफ़ कर दिया है, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए और पाकिस्तानी और खुले दिल से इनसे मामला करना चाहिए, ताकि ये पुरमन तरीक़े से पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार सकें और हमारे इज्तमाही धारे में शरीक हो सकें। तो ये तो बात आपकी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी साहिब है, लेकिन पहले आप ये बताइए इससे पहले कि ये जो हजरात जिनको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, कोई काबुल का गवर्नर बना है, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बना है, किसी ने तालीम की जिम्मेदारी संभाली है, किसी ने बैंक जो स्टेट बैंक जो है उसकी सरबराही संभाली है, ये कौन लोग हैं, इनका पस मंज़र क्या है और इनसे आपकी तवक्कोआत क्या है और क्या रुझान है जिससे अंदाज़ा होता है तालिबान हुकूमत का इन तकर्रियों के हवाले से? शामी साहब, सबसे पहले तो आपके भाई जो दारे फानी से रुख्सत कर गए हैं, मैं दिली ताज़ियत करना चाहूँगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता करे और उनके जन्नत में उनको आला मुकाम पे फायज कर दे। बदकिस्मती से ये साल जो था मेरे लिए भी और जामी साहब के लिए भी और आपके लिए भी बड़े सदमात का साल जाती हवालों से साबित हुआ, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बहरहाल आपका साया हमारे सिरों पे सलामत रखे और जामी साहब को भी और बाकी पाकिस्तानियों को भी आजमाइशों से बचा के रखे। दूसरा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आप भी इसी तरह से हमारी हमें तवानाई फराहम करते रहें और एक किरदार अदा करते रहें अपना एक पाकिस्तानी के तौर पर। मैं कोई अपनी उल्टी सीधी राय अपनी फहम के मुताबिक दे देता हूं, तो आज कालम में मैंने जो तजवीज़ दी है उसमें आप जैसे असातिज़ा और के तरफ से ताईद या उसमें अपनी आवाज़ शामिल करना, ये मेरे लिए भी बड़े एजाज़ और खुशी की बात होती है। यकीनन आप जैसे लोगों से हमने सीखा है और वो मेरी एक पहले उस हवाले से अपनी मैं ये राय रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि टीटीए के लोग जो है या अफगान तालिबान वो अब डंडा उठा के और टीटीपी के लोगों को या तो मार देंगे या वहाँ से निकाल देंगे। तो मैंने उसमें जो पस मंजर दिया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ आप बेहतर जानते हैं कि सिर्फ नजरियाती रिश्ते कितनी ज्यादा बड़ा आमिल हुआ करते हैं और फिर यहाँ पे तो कबाइली रिश्ते भी हैं, नस्ली रिश्ते भी हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत को या पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त एक ज़ोम में मुब्तला होने की बजाय बेहतर यही है। साफ़ साहब, आपकी राय की सर एक और इसकी दलील हमें ये मिलती है जो ज़बीहुल्ला मुजाहिद साहब की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पर्टिनेंटली उनसे टीटीपी के हवाले से सवाल किया गया, कमीशन बनाने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कमीशन किस चीज़ के लिए बनाया जाए, उनका ये कहा मतलब मसाइल कराने के लिए तैयार है। साफ़ी साहब, उसमें जिस माहौल में हमने गुज़श्ता कई साल गुजारे हैं और जो अमेरिकन कोलिशन का हम हिस्सा रहे हैं, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। उस माहौल में जिन लोगों ने तजावुज़ किया वो उनके तजावुज़ को भी उस पस मंज़र में देखना चाहिए। यह भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम सियाक सबाक से चीज़ों को अलग न करें। नहीं शामी साहब, देखें असल में आप एक अल्हम्दुलिल्लाह दीन का मुताला भी आपका बहुत है और हमारा दीन हमारे लिए ये हुक्म देता है कि मैं जो कुछ अपने लिए पसंद करूं वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करूं। अब अफगानिस्तान में मसलन पहले अगर अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम उनसे कहते थे कि वो तालिबान को अपने साथ एकोमोडेट करे, हालांकि उन्होंने एक दूसरे के हजारों लोग मारे थे। फिर अब हम तालिबान से ये कह रहे हैं कि वो अपने साथ उन लोगों को एकोमोडेट करे और ये साहिब तजवीज़ है। तो इसी तरह हमें भी माजी से निकल के मुसालहत के जरिए, मुफाहमत के जरिए और एक नेशनल रिकंसिलिएशन के जरिए
जो दो लोग अगर उस रास्ते पे गए हैं और पाकिस्तानी रियासत से लड़े हैं तो उसका भी एक पसमंजर था और उसमें कुछ गलतियां भी थी, तो इसलिए अब उनको जेर करने की ख्वाहिश की बजाय मेरा ख्याल यही था कि जो काम अफगान तालिबान के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, अलबत्ता अगर रिकंसिलिएशन हो उनके साथ तो उसमें अफगान तालिबान भी हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी उनकी जमानत दे सकते हैं, वो ये हो सकता है जी, वो सालिस भी बन सकते हैं, वो दोनों तरफ से जमानत भी कर सकते हैं, लेकिन ये तवक्को करना कि वो जो है उनको लड़ लेंगे हमारी खातिर, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। असल में देखिए साफी साहब, जो बड़ी बड़ी जंगें होती हैं उसके बाद भी मेज़ पर बैठते हैं, वो जंगें उनके नुकसानात को भुलाते हैं। 65 की जंग के बाद ऐलान ताशकंद हुआ और 71 की जंग के बाद शिमला मुआहदा हुआ, इंडिया के साथ हम मेज़ पर बैठे, जंग को भुला दिया, उसमें शहीद अपने शहीद जो थे, अपने गाजी जो थे, उनके हमने ये नहीं किया कि हम कहें कि भाई हम बातचीत नहीं करेंगे। तो जंगों के बाद भी बातचीत होती है, माहदे होते हैं, मामलात होते हैं, तो इसमें तो एक वजन पाया जाता है इस बात में। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो तकर्रियां हुई हैं, इसके हवाले से कुछ गुफ्तगु आप करें। तकर्री वाला नुक्ता रह गया, उस पर आप बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले सर एक इख्तलाफी नोट ये है कि ये बिल्कुल साहिब राय जो आप भी बयान करें, साफी साहब भी बयान करें, तारीख की रोशनी में या इखलाकियात या रिश्तों की रोशनी में, बट मसला ये कि अभी भी जो ताज़ा वाक़यात हो रहे हैं कल परसों से लेके जब से तालिबान का कंट्रोल आया तब से TTP ही जिम्मेदारियाँ कबूल कर रही हैं दहशतगर्दी के वाक़यात की, चाहे वो जवानों को शहीद करना हो या चीन के वर्कर्स हैं उनको हिट करना हो। तो अगर वो किसी नेगोशिएशन के मरहले में विलिंग हूँ, किसी मुज़ाकरात की टेबल पर आने को तैयार हूँ तो ये बातें साहिब और मुफीद लगती हैं, लेकिन अगर वो बददस्तूर हिट कर रहे हैं और जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं तो फिर उनको क्या हम खुद से रियासती सतह पर कह दें कि नहीं, इसमें बात करें, उसको चेक करना पड़ेगा ना, वही तो फिर वाकया ये दावे जो किए जा रहे हैं नहीं, उनकी ऑफिशियली जारी हो रहे हैं दावे वो दुरुस्त हैं। हाँ मतलब ये सारी चीजें गौर करनी होंगी, सोचना समझना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा जी, आगे बढ़ना होगा बहरहाल। ठीक है, आज साफी साहब आप जो अहम तो कर रही हैं, जैसे ग्वांतानामो में कैद काटी मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर ने, जी मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर ने न सिर्फ ये कि ग्वांतानामो में कैद काटी और बल्कि जो खसूसन जनूबी अफगानिस्तान में वो जंग को लंबे अरसे तक कमांड करते रहे, फिर इस वक्त जो तालिबान का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था, देखिए एक तो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका यूं है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह जो है वो उनके अमीरुल मोमिनीन है और नायब उमरा उनके दो थे, एक सिराजुद्दीन हक्कानी थे और दूसरे मुल्ला याकूब है जो मुल्ला उमर के बेटे हैं। और फिर जो मिलिट्री साइड पे जिसको वो निजामी साइड कहते हैं तो उसके कमीशन के इंचार्ज जो है वो मुल्ला याकूब है पूरे अफगानिस्तान के लिए। और फिर उसमें जो ये मशरिकी साइड था और जिसमें कई सूबे आते हैं इंक्लूडिंग काबुल, जलालाबाद, निगरहार और पक्तिया, ये सारे तो ये क़य्यूम ज़ाकिर के सपुर्द थे और जो जनूबी थे वो सदर इब्राहिम के सपुर्द थे और तो काबुल में भी पहले उनके लोग एंटर हुए थे। तो मिलिट्री साइड पे क़य्यूम ज़ाकिर इस पूरे अरसे में अफगानिस्तान के अंदर फ़ाल रहे और ईरान के साथ भी वो उनकी कुर्बत समझी जाती है, लेकिन ये जो अब उनके जो डिफेंस मिनिस्टर बनाने की बात है तो तालिबान ने अभी तक ऑफिशियली जो उनके तर्जुमान है उसकी तस्दीक नहीं की है। ये कुछ तकरीरियां तो कंफर्म है, मसलन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है या इंटेलिजेंस चीफ है उसकी भी अभी तक तालिबान ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग तो उनके पहले से थे, मसलन अब तालिबान ने इससे पहले शेडो गवर्नर्स बनाए हुए थे या तालिबान जंग के दौरान भी उनके इंटेलिजेंस शोबे की एक उसका कलीदी किरदार था और इंटेलिजेंस चीफ उनके मरकज की सतह पर भी थे और सूबों की सतह पर सूबों और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी थे। लेकिन ये जो वजारतों की बात है ये पहले तो अभी तक तालिबान उसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर भी लें तो ये सारा बहुत आर्जी और इंटरिम इंतजाम होगा, क्योंकि इस वक्त तालिबान हुकूमत साजी के हवालों से दो मराहिल से गुजर रहे हैं। एक उनका अपना इंटरनल अभी फैसला होना है
उनके पॉलिटिकल फेसेस के जो मिला बरादर और इस तरह के लोग थे, और निजामी जो ग्राउंड पे थे कि किसको क्या हिस्सा मिल जाए, थोड़ा बहुत एक गैर मरई किस्म का वो अंधारी और पक्यावाल ये भी एक अभी उस पे हैं, तो उनकी ये इंटरनल। दूसरी बात कि अभी तक जो वो हुकूमत साबिक हुकूमत के लोग थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं, मार्क के लोग हैं, अहमद वली मसूद है, और अभी तक तो तालिबान ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट का बनाएंगे। तो अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं और उसमें ये लोग एकोमोडेट होते हैं तो फिर जाहिर है कि हुकूमती ढांचा एक तरह का होगा। तो जब तक एक तो इनके साथ जो मुखालिफीन हैं उनके साथ मुजाकरात या कामयाब या नाकाम नहीं हो जाते तो तालिबान अपना फाइनल वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि उस तो मुखालिफीन में जो सबसे बड़ी मुजाहमत है वो तो पंजशीर में है, जहाँ पे अहमद मसूद का इंटरव्यू भी एक फ्रेंच इदारे पे नशर हुआ, उसने कहा जी ये हथियार डालने वाला लफ्ज़ तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है, अलबत्ता मुजाकरात के लिए तैयार हूँ। अमरुल्ला साले भी वहाँ पे है, 12-12 रुकनी कमेटी भी साथ बन गई है, यानी मुजाहमत भी है और मुजाकरात भी हो रहे हैं। कब तक ये लोग मुजाहमत कर सकते हैं तालिबान के खिलाफ, और क्या ये मुजाकरात कामयाबी हो सकते हैं? देखें, एक तो जामी साहब अभी आपने जो पहले बात की ना कि अगर लास्ट टेन्योर में आप देखें तो तालिबान का एक तो ताजिक और उज़्बक के साथ बड़ी लड़ाइयां हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के हजारों लोग मार दिए थे, और जो सबसे दर्दनाक वाकयात थे वो एक तो उज़्बकों के साथ हुए थे कि जब फिर कंटेनरों में तालिबान को बंद करके 6,000 के करीब बताया जनरल मालिक के लोगों ने जी। और दूसरी सबसे तलख वो रही थी उनका हजारा कम्युनिटी के साथ, क्योंकि एक तरफ हजारा कम्युनिटी की खवातीन भी तालिबान के खिलाफ लड़ी थी जब बामियान वगैरह को कब्जा कर रहे थे, दूसरी तरफ तालिबान ने पूरे यकावलंग गाँव को जला दिया था। अभी आप देखें कि इस मरतबा वो उसमें ईरान के साथ तालिबान की कुर्बत का भी नतीजा है, तो इस मरतबा हजारा कम्युनिटी के साथ कोई खास टेंशन नहीं है। और उस रोज जब मेरी यहाँ पे नार्थ के आए हुए लीडरों से मुलाकात हुई तो उसमें मैंने करीम खलीली और उस्ताद मुहक्किक को निस्बतन मुतमईन पाया, यूनस कानूनी और इन लोगों की। अब ये जो अहमद मसूद और अमरुल्ला साले का मामला है तो इसमें 3-4 सतह पे उनकी इंगेजमेंट है तालिबान के साथ। एक तो आप जानते हैं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला काबुल में बैठे हुए हैं और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और यूनुस कानूनी ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये दिल से अमरुल्ला साले के साथ नहीं है ना, उसकी लाइन को पसंद करते हैं, और इसमें बेसिक रुकावट भी उहदों वगैरह की नहीं है। उनका मुतालबा ये है जिसमें यूनुस कानूनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और बाकी ताजिक लीडर भी उस्ताद अता भी उनके हमनवा है, उनका डिमांड एक तो ये है कि उनके सूबों में तालिबान बेशक अपना गवर्नर तो भेजे लेकिन नीचे इंतजामिया को डिस्टर्ब ना करे, जो तालिबान के लिए इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा फिर अमरुल्ला साले का साफ़ साफ़, चूंकि ये सब बहुत अहम नुक्ता है और अनफॉर्चुनेटली ब्रेक भी आ गई है।